नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है सिर्फ फैक्ट मोर। दोस्तों आज YouTube से कुछ ऐसे अपडेट्स लाया होगा आप लोग के लिए कि आप भी सुनिए इंटरेस्टिंग होने वाले, तो आप लोग भी अपने सीट पकड़ लो। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अलविश यादव की तरफ से। कैसे आप लोग पायल जोन को अलविश यादव के साथ कॉन्ट्रोवर्सी उनका हो चुका है भयंकर वाला, आप कह सकते हो। और पायल जोन ने ना क्या किया कि ना मतलब अलविश यादव डायरेक्टली पोक करते हुए क्या बोला कि अलविश यादव की वजह से मैं बिग बॉस में नहीं गई, आप लोग ने की छोटी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे ऑफर आया है बिग बॉस OTT से एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री शो में जाने का। तो मेरे को परसों के दिन डायरेक्टर का कॉल आया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि पायल जोन आ जाओ हमारे शो में। और अभी अभी थोड़ी देर पहले उनका कॉल आया है कि पायल जोन तो मत आओ, क्योंकि अलविश यादव बोल रहे हैं कि अगर पायल जोन शो में आई तो वो शो छोड़ देंगे तभी के तभी। तो ये अलविश यादव की सच्चाई है, इनको मुझे इतनी ज्यादा जलन है घमंडी कहेंगे कि ये मेरे को शो में देखना नहीं चाहते। लेकिन मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो शो में जाके रहूंगी भले अलविश निकले चाहे कुछ भी करे, मैं तो शो में जाके रहूंगी दरिंदा फिर का। हमारी सेकंड न्यूज निकल के आ रही है पारस ठकराल की तरफ से। अब क्या सुने की पारस ठकराल ने हमारे फोकरा भाई और अलविश भाई को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बातें की, आप लोग भी देखो छोटी सी क्लिप। या फोकरा इंसान भाई, तो भाई देखो मेरे लिए दोनों भाई हैं। फोकरा इंसान भाई के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, उनकी वीडियोस में भी गया हूँ मैं और उनकी वीडियो से आईफोन भी जीता हूँ भाई। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो भाई दोनों ही भाई है और मैं तो कहता हूँ दबा के सपोर्ट करो भाई, चाहे वो फुकरा इंसान भाई है मेरे और चाहे अलविश भाई है। तो अलविश भाई भी आए थे ऑडी जब हमने रैप कराई थी उस टाइम पे, तो भाई मेरे लिए दोनों ही बराबर है, मेरे लिए दोनों ही भाई अपने हैं। तो दोनों को वोट करो दबा के, मैं तो कह रहा हूँ दोनों को जितवा दो। तो भाई मेरा वोट जो है दोनों की तरफ है और मैं तो चाह रहा हूँ भाई दबा दबा के। गाइस हमारी थर्ड न्यूज निकल के आ रही है पायल गेमिंग की तरफ से। कैसे आप लोगों को पता है कि अलविश यादव को उन्होंने सपोर्ट करते हुए और साथ में हमारे फोकरा भाई को फुल सपोर्ट करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बातें की है, आप लोग इन छोटी सी क्लिप देखो। अभी शायद दो नए कंटेस्टेंट गए ना, ये अलविश यादव गए हैं और आशिका भाटिया, वो वाला मैंने शॉर्ट देखा था, देखते हैं आज से अभी क्या चल रहा है। पायल यू लाइक फुकरा इंसान? फुकरा इज माय वेरी गुड फ्रेंड, मेरे बहुत पुराने दोस्त है वो काफी, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड इन बिग बॉस। मैंने देखे काफी सारे शॉर्ट एंड रील्स में कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनको, ऐसे ही आप लोग करो। गाइस हमारी फोर्थ न्यूज निकल के आ रही है जट प्रोचोत की तरफ से। कैसे आप लोग बताए उनको भी बिग बॉस शो में आने का मौका मिला था, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री, उन्होंने किस रीजन पे ना बोला चलो देखते हम लोग। उस भी अंदर अलविश भी अंदर है, वो फुकरा इंसान है वो भी अंदर है, वो भी दोनों दोस्त ही है। मम्मी कह रही की मत जाओ बिग बॉस में, मतलब क्यों नहीं, वो उनको ये होता ना कि मतलब जो हमारी फैमिली है ना बिल्कुल वो कहते हैं ना सिंपल सोबर सी फैमिली है कि हाँ ना उन्हें लड़ाई झगड़े पसंद है ना उन्हें फालतू की मतलब ऐसी चीजें पसंद है। तेरे मैंने मम्मा वो तो एक सीरियल है तो उससे अपने को भी फायदा होगा, अपने को भी फेम मिलेगा, जो बंदे नहीं जानते वो भी जानेंगे। तो मम्मी कह रही पहले ही तू इतना मशहूर है, जितना मिल रहा है उतना काफी होता है, कभी कभार हम कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं तो मैं ना तो और बेफालतू में लड़ाइयां झगड़े उनको होता क्या ना, जो घर वाले एकदम सिंपल होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि जो पिक्चरों में चल रहा है सीरियल्स में चल रहा है वो एकदम असली चीज है। तो अगर तू वहां जाएगा किसी से झगड़ा होएगा उना होगा फिर क्या करेगा। मैंने बोला बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, कह रहे वो झगड़ा जो वहां अंदर होगा ना वो बाहर तक आ गया तो फिर दिक्कत है। तो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना बहुत सोच समझ के कहते हैं और वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो बाकी भी मेरा भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कल कल का दिन है मेरे पास। आप लोग YouTube से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, सी यू।